एक घने जंगल में टोनी अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। एक दिन टोनी की बहन की मौत लंबी बीमारी से हो जाती है। तब टोनी अपनी बहन के घर जाती है। माँ, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चली गई? माँ, मैं अब किसके सहारे रहूँगी? माँ, अच्छा होता आप मुझे भी अपने साथ ले गई होती। बेटा, तू अकेली नहीं है, आज से मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे अपने घर लेकर चलूँगी। टोनी चिंकी को लेकर अपने घर आती है। बेटा, तू किसी भी चीज की चिंता मत करना, यहाँ तेरी बहन टुनटुनी भी है, तुम दोनों साथ साथ रहना, मैं तुम्हारा दाखिला भी टुनटुनी के स्कूल में करा दूंगी। हाँ चिंकी, तुम चिंता मत करना, मैं टुनटुनी तुम्हारी बहन हूँ, आज से मैं भी तुम्हारा ध्यान रखूंगी। जल्द ही चिंकी पूरे घर में घुल मिल जाती है। टोनी टुनटुनी से ज्यादा चिंकी पर ध्यान देने लगती है। एक दिन टोनी किचन में खाना बना रही थी। माँ, खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। रुक जा चिंकी, मैं अभी तुझे खाना निकाल कर दे रही हूँ। चिंकी किचन में पड़े चाकू को उठाकर उससे खेलने लगती है, तभी उसका पर कट जाता है। मेरा पर कट गया। चिंकी, तू भी ना बेटा चाकू लेकर क्यों खेल रही थी? रुक, मैं अभी तेरी मरहम पट्टी कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद, ये ले चिंकी, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। टोनी चिंकी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है, तभी टुनटुनी वहाँ आती है। माँ, मुझे भी आपके हाथों से खाना खाना है। टुनटुनी बच्ची नहीं है, तू अपने हाथ से भी खा सकती है। माँ, जब से चिंकी आई है तुमने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है। जाओ, मैं नहीं खाती, मुझे नहीं खाना। टुनटुनी, ये तू कैसी बातें कर रही है? चिंकी भी तो तेरी ही बहन है, तू देख नहीं रही, इसके चोट लग गई है। माँ, मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। गुस्से में टुनटुनी अपने कमरे में चली आती है और सोचने लगती है, जब से ये चिंकी की बच्ची इस घर में आई है, माँ उसी को प्यार कर रही है। आज चिंकी की वजह से मुझे डांट खानी पड़ी है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। अगले दिन टुनटुनी, तू चिंकी को अपने साथ स्कूल ले जा, मैंने तेरा और चिंकी का टिफिन पैक कर दिया है, स्कूल में लंच होगा तो तू भी चिंकी को खिला देना। ठीक है माँ। टुनटुनी चिंकी को रेलवे ट्रैक से स्कूल ले आती है। कहाँ से स्कूल ले जा रही हो? मुझे डर लग रहा है, चिंकी तो बेकार में डर रही है, मैं तो रोज इसी रास्ते से स्कूल जाती हूँ, तू मेरे पीछे पीछे आ। अचानक टुनटुनी का पैर पटरी में फंस जाता है। दीदी, क्या हुआ? चिंकी, मेरा पैर पटरी में फंस गया है और निकल नहीं रहा है। तभी ट्रेन की आवाज़ आती है। दीदी, लग रहा है ट्रेन आ रही है, जल्दी करो। चिंकी, मेरा पैर नहीं निकल रहा है, ऐसा लगता है जैसे मैं अब नहीं बचूंगी। मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन देखो ना, मैं ही इसमें फंस गई। किसी तरह चिंकी टुनटुनी का पैर पटरी से निकालती है। चिंकी, मेरी बहन, अगर आज तू नहीं होती तो मैं इस दुनिया में नहीं रहती। उस दिन के बाद से टुनटुनी को एहसास हो जाता है और वो अपनी बहन चिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जंगल में ऑटो चलाने वाला बंटी कबूतर रहता था। एक बार की बात है, बंटी कबूतर रात में सवारी छोड़ने के लिए काफी दूर आ जाता है, तभी उसे रास्ते में एक चिड़िया दिखाई देती है। अरे, ये कितनी खूबसूरत चिड़िया है, अच्छा है वापसी में सवारी मिल गई। पूछता हूँ उस चिड़िया को कहाँ जाना है। रुको रुको ना। हाँ चिड़िया बहन, बोलो कहाँ जाओगी तुम? जहाँ आप जाएंगे वहाँ जाऊंगी मैं। चिड़िया बहन, मैं तो अपने घर जाऊंगा। चलिए आप बैठ जाइए, मैं आपको रास्ते में छोड़ दूंगा। जरा जगह तो दीजिए, जब ही तो बैठूंगी मैं। अरे चिड़िया बहन, आप पीछे बैठिए जहाँ सवारी बैठती है। उसकी ये बातें सुनकर बंटी कबूतर को बहुत अजीब लगता है, तभी उसकी नज़र उसके पैरों पर पड़ती है। उसके पैर उल्टे होते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है। अरे भागो, भूत भागो, अरे भागो भैया। कहाँ जाएगा तू बचकर बंटी कबूतर? आज तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, कितने दिनों बाद मेरी प्यास बुझेगी। इस रास्ते पर कोई आता भी नहीं था, अब तू आया है मेरा शिकार। तभी टोनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है, कभी वो गायब हो जाती, कभी सामने आ जाती। बंटी कबूतर डर के मारे तेजी से अपना ऑटो भगाता है। वो शीशे में देखता है, आत्मा उसका पीछा नहीं कर रही है। वो
जंगल के ऑटो स्टैंड पर अपना ऑटो रोकता है। वहीं उसका दोस्त कालू कौवा खड़ा होता है। क्या हुआ बंटी कबूतर, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? बंटी कबूतर कालू कौवे को सारी बात बताता है। अरे पागल, इतना सुनहरा मौका हाथ से निकाल दिया तूने। उस चिड़िया की आत्मा का एक पंख तोड़ लेता वो तेरी गुलाम बन जाती। अरे भाई माफ कर मुझे, मेरी जान बच गई आज वो ही काफी है मेरे लिए। ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा अपने मन में सोचता है, ये तो डरपोक पागल है, इतना सुनहरा मौका गवा दिया, ये पूरे जंगल पे राज करता। चलो कोई नहीं, कल रात मैं उस जगह जाऊंगा और उस भूतिया चिड़िया का पंख तोड़कर ले आऊंगा। अगले दिन कालू कौवा अपना ऑटो लेकर उसी जंगल के रास्ते पर जाता है। वहाँ पर एक चिड़िया खड़ी होती है। रोको रोको ना ऑटो रोको, मुझे जाना है। अरे भाई लगता है ये वही चिड़िया की आत्मा है, इसका पंख तोड़ लूंगा। ये कहकर कालू कौवा अपना ऑटो उसके सामने रोकता है और उसके पंख तोड़ने लगता है। अरे बेवकूफ कौवे बदमाश, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे पंख तोड़ने की कोशिश की, रुक तुझे अभी बताती हूँ। टुनटुनी चिड़िया पास में पड़े डंडे से उसे बहुत मारती है। अरे बहन मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम एक चिड़िया की आत्मा हो। अरे बदतमीज, तुझे मैं कहाँ से आत्मा नजर आ रही हूँ, चल भाग यहाँ से। टुनटुनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है, पर टूनी चिड़िया की आत्मा पेड़ के पीछे खड़े होकर ये सब देख रही होती है। अगले दिन कालू कौवा फिर से अपना ऑटो लेकर वहाँ पर आता है। भाई आज तो पहले उसके पैर देखूंगा, तभी उसके पंख तोड़ूंगा, वरना कल की तरह पिटाई हो जाएगी मेरी। अब फिर से वहाँ पर एक चिड़िया खड़ी होती है। रोको रोको ना ऑटो, मुझे जाना है। कालू कौवा उसके पैर देखता है, उसके पैर उल्टे होते हैं। जैसे ही कालू कौवा उसके पंख तोड़ने वाला होता है, तभी टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। डरावनी आवाज सुनाई देती है। कालू कौवे आप मेरे पंख तोड़ेगा, ये ले तोड़ के दिखा। टूनी चिड़िया की आत्मा कभी उसके सामने आ जाती, कभी उसके पीछे, वो उसे बहुत मारती है। मुझे माफ कर दो चिड़िया की आत्मा, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे जाने दो, मत मारो। क्यों छोड़ दूँ तुझे, तो जैसे मन चले बदमाश पक्षियों को मारना ही तो मेरा लक्ष्य है, तुम जैसे लालची पक्षियों को जीने का कोई हक नहीं। तभी वहाँ पर बबलू कबूतर ऑटो में अपनी सवारी बिठाकर वहाँ से गुजर रहा होता है। अरे चिड़िया की आत्मा छोड़ दो उसे, मैं तुमसे विनती करता हूँ। नहीं मैं इसे नहीं छोड़ सकती, तुम जानते हो एक बार ऐसे ही मैं इस जंगल से ऑटो में जा रही थी, उस ऑटो वाले ने मेरा सामान लूट कर मुझे जान से मार दिया। जब से जो भी मुझे लालची पक्षी दिखाई देता है मैं उसे जान से मार देती हूँ। तभी सुंदरी कौवी बोलती है, अरे टूनी चिड़िया तुम सही कह रही हो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम भी सही नहीं कर रही हो, ना जाने कितने पक्षियों को तुम मार रही हो। वो सब उसे बहुत समझाते हैं, वो कालू कौवे को छोड़ देती है। मुझे माफ कर दो, तुम सब सही कह रही हो, मैंने अपने इंतकाम पूरा करने के लिए ना जाने कितने पक्षियों के परिवार को तोड़ा है, पर अब नहीं, इस दुनिया में तुम जैसे नेक दिल पक्षी भी होते हैं। कर वो वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी का पति बंटी एक कुली था, वो नदी पार से आने वाले पक्षियों के सामान को इधर से उधर करता था। एक दिन जब बंटी काम पर जा रहा था, तब टुनटुनी उससे कहती है, अजी अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो, सभी किसी न किसी दिन छुट्टी लेते हैं, लेकिन तुम तो रविवार को भी काम करते हो। अरे पगले, अगर काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा? तू तो माँ बनने वाली है, बच्चों का खर्चा बढ़ेगा, अगर काम नहीं करूँगा तो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी कैसे दूंगा? आपसे तो बात करना ही बेकार है, ये लीजिए पोटली, इसमें मैंने रोटी और चावल रख दिए हैं, समय से खा लीजिएगा। नहीं टुनटुनी, आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, काम से आऊंगा तो खा लूंगा। बंटी बिना खाना लिए काम पर चला जाता है। टुनटुनी को क्या पता था कि बंटी से उसकी ये मुलाकात आखिरी थी। उधर बंटी बेहोश होकर बहती नदी में गिर जाता है और वहीं डूबकर मर जाता है। टुनटुनी भागी भागी अस्पताल जाती है। बंटी ये क्या हो गया, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया, अब ये बच्चा किसे अपना पापा कहेगा? मैं तुम्हें कई बार समझा रही थी अपनी सेहत का ध्यान रखो, लेकिन तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं,
अब मैं क्या करूं बंटी? समय तेजी से पंख लगाकर उड़ने लगता है। टुनटुनी एक बच्ची को जन्म देती है। एक दिन टुनटुनी के पास डाकिया एक खत लेकर आता है। अरे ये खत तो कड़कनाथ सेठ की कंपनी की तरफ से आया है और मुझे बंटी की जगह कुली की नौकरी दी गई है। मुझे अपनी बच्ची के लिए नौकरी करनी ही होगी, तभी मैं उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊंगी और उसे बेहतर भविष्य दे सकूंगी। अगले दिन से ही टुनटुनी कुली बनकर पक्षियों का बोझ उठाती थी। जब भी नदी के उस पार से कोई पक्षी आता था, टुनटुनी तेजी से उन पक्षियों के पास पहुँच जाती थी। बहन जी, क्या मैं आपका बोझ उठा लूं? अरे तुम तो एक चिड़िया हो, क्या तुम इतने बोझ को उठा सकती हो? हाँ हाँ बहन जी, मैं सारे बोझ को उठा लूंगी। बहन जी, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बोझ उठा लिए हैं, ये बोझ तो उसके आगे कुछ नहीं है। क्यों, क्या हुआ? और तुम ये तुम्हारी बेटी को साथ में लेकर क्यों घूम रही हो? तुम्हारे पति कहाँ है? वो नहीं कमाते हैं क्या? क्या करिएगा बहन जी, मेरी दुख भरी कहानी सुनकर रोज इस नदी किनारे पे कई पक्षी आते हैं और मेरी दुख भरी कहानी सुनते हैं, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। अरे तुम मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। क्या बताऊं बहन जी, मेरे पति की मौत इसी नदी में डूबकर हो गई थी, उसके बाद से मैं यहाँ कुली की नौकरी कर रही हूँ। देखो टुनटुनी, जब तुम्हारी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसको मेरे स्कूल में डाल देना, मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाऊंगी। मैं तुम्हें अपना पता दे देती हूँ। वो बुलबुल चिड़िया टुनटुनी को अपना पता दे देती है। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन जब टुनटुनी अपना घर साफ कर रही थी, तभी उसे उस बुलबुल का दिया हुआ पता मिलता है। अरे ये पता तो वही है जो मैडम जी ने मुझे नदी किनारे पर दिया था, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अब मैं अपनी बेटी को लेकर मैडम जी के स्कूल में जाऊंगी और उसे वहाँ पढ़ाऊंगी। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर उस पते पर पहुँचती है। आओ आओ टुनटुनी, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। मैडम जी, ये देखिए, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ पढ़ लिख कर एक अफसर बन जाए, इससे मेरी तरह जीवन में संघर्ष ना करना पड़े। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी बेटी को अच्छी तालीम दूंगी, तुम्हें एक दिन इस पर गर्व होगा। टुनटुनी अपनी बेटी का एडमिशन उस मैडम जी के स्कूल में करा कर निश्चिंत हो जाती है। उसे इस बात की खुशी थी उसकी बेटी को उसकी तरह जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है कालू कौवा बंटी कबूतर से चिड़िया की आत्मा का क्या तोड़ने के लिए कहता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।